अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि बाढ़ आने से पहले सरकारें सचेत क्यों नहीं होती, तैयारियां क्यों नहीं करती। यकीन मानिए, जिन इलाकों में बाढ़ हर साल आती है, एक परिवार जिसे हर साल बाढ़ से जूझना पड़ता है, वो किस कदर तैयार रहता है। धड़कनें उसकी तेज हो जाती हैं और इसके साथ साथ उसको दिखने लगती है तो आने वाली तबाही। मैं जागीरी टोला गाँव के एक घर में पहुंची हूं और इस घर की कहानी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इस खूबसूरत मकान, इस आशियाने को देखिए। अदनान अंसारी का ये घर है, जन्म से वो यहीं रह रहे हैं और पुरखों से उन्होंने यहीं पर जो है घर बनाया और उसके बाद से लगातार यहीं रह रहे हैं, लेकिन अब अदनान अंसारी यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। इसका कारण जानने के लिए आपको घर के अंदर चलना पड़ेगा मेरे साथ, और इसके साथ साथ क्या तस्वीरें हैं घर के अंदर ये मैं आपको दिखाऊंगी। जब एक घर बनता है तो उसमें सिर्फ ईंटें नहीं जुड़ती हैं, उसमें सबके अरमान उम्मीदें भी साथ में जुड़ती हैं, और ईंट ईंट जोड़कर, पाई पाई जोड़कर अदनान का परिवार पुश्तों से इस मकान में रह रहा है। लेकिन जब मैं जागीरी टोला के इस गांव में पहुंची हूं, इस घर में पहुंची हूं, तो मुझे मालूम चला कि ये घर अदनान का परिवार पूरा मिलकर खुद ही तोड़ रहा है। मुझे भी अचरज हुआ, और एक बार आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से अदनान की माँ, उनके घर के जो बाकी बच्चे हैं, वो सभी खुद से मिलकर के अपना घर, ये 2 मंजिला मकान है, और अपना घर तोड़ रहे हैं। इसके आप इस परिवार का दर्द समझ सकते हैं, और इस दर्द के पीछे यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है बाढ़ का पानी, जो हर साल सैलाब के साथ दर्द देकर जाता है इस परिवार को। और इनकी माँ यहाँ पर है, माँ भी ईंटें उठा रही थी, और इसके साथ साथ अदनान जो है खुद अपने घर की खिड़की तोड़ने में लगे हुए हैं। अदनान भाई एक सेकंड रुकिए, मुझे ये बताइए, घर इतना सुंदर है आपका, जब मैं नीचे पहुंची हूँ घर सुंदर बनाया आपने, और घर क्यों तोड़ रहे हैं? घर इसलिए हम तोड़ रहे हैं कि पास में दरिया आ गया, पानी आ रहा है, हर एक साल पानी से झेलना पड़ता है। कब से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? हम लोग बाप दादा सब यहीं, पूर्वजे सब कुछ यहीं पर हम लोग थे। दूसरा कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता था? सरकार आती है हर एक साल, देके चली जाती है यहाँ से, नेता भी आता है सब, हाँ बांध बनाएगा, सब कोई यहाँ चला जाता है। देखो कितने वक्त से आपने बताया कि पुरखों से यहाँ रह रहे हैं? पुरखों से लमसम है 4-5 पीढ़ी 3 पीढ़ी यहीं से हम लोग का। घर बनाने में कितनी कीमत आई, क्योंकि घर तोड़ना बहुत बहुत मुझे लगता है हिम्मत वाला काम है और मजबूरी है कहीं ना कहीं आप। यही हमने इसमें लागत 20-25 लाख रुपया लग चुका है इसमें अभी तक ले। 10 साल हुआ बनाया हमको। इससे पहले हम लोग का करकट का मुड़ाई घर था। हाँ, और सब जिसमें लागत बहुत ज्यादा लग गया इसमें। कितने लोगों का परिवार यहाँ रहता है? यहाँ लमसम पलवा रहता है लोग पूरे गांव में। नहीं, आपके घर में? हमारे गांव में लमसम 20-25 पलवा रहते हैं लोग। 20-25 लोग रहते हैं। हाँ, तो आप नया ठिकाना जो ढूंढ रहे हैं, तो मुश्किल होगी आपको इस घर को तोड़ना, तोड़ने में वक्त लगेगा? जी, तोड़ने में वक्त लगेगा, फिर वहाँ जमीन किनने के लिए तो पैसा बहुत चाहिए, टाउन कर ही लेना पड़ेगा। तो क्यों जाना चाहते, क्या आसपास के गांव में लोग रहते हैं आपके, लोगों ने भी खाली कर दिया? लोगों ने सब खाली कर दिया इसमें लमसम में 100% में, मतलब 5% रह लोग गाँव में, बाकी सब यहाँ चले गए लोग, आगे सर कोई नहीं बचेगा यहाँ पर। धीरे धीरे करके गांव खाली हो रहा है। हाँ, गांव सब खाली हो जाएगा धीरे धीरे कर दो। ठीक है, और कारण यही है बाढ़ आप दरिया पास में दिख रहे हैं, पास में दरिया दिखाई दे रहा है, उधर टावर भी था, टावर भी गिर गया। खा मकसूदपुर लमसम 25-30 गाँव था इधर, 25-30 गाँव, बस 2 गाँव बचा, एक जगटला, एक सामने वाला गाँव दिखाई दे रहा है, बस यही 2 गाँव बच चुका है। सब लोगों ने खाली कर दिया आपकी तरह? हाँ, सब दरिया में लिप्त हो गया। अच्छा, गांव के गांव बह गए? गांव गांव बह गया। आपके घर में भी सालों से पानी आया है? हर साल पानी? हाँ, हर साल पानी से हम झेलते हैं लोग, हर एक साल।
इसीलिए मैं सोच रहे हैं यहाँ से चला जाएंगे अस्थिर जगह है ना। छोटा बच्चा है, इसको मैं देख रही हूँ कि ये बेटा क्या नाम है आपका? कैफली। कैफली, घर क्यों तोड़ रहे हो? खिड़की विड़की सब बड़ा मेहनत का काम है ये तो। इसी घर में रहते थे आप? हाँ, इसी घर में रहते थे। क्यों तोड़ रहे? कहाँ जाएंगे अब आप? चौरा। चौरा, चौरा उर्दू कॉलेज। अच्छा, दूर मतलब शहर की तरफ? पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता? नहीं हो पाता। इस बार भी नहीं हो पाया? नहीं, नहीं हो पाया। जाहिर सी बात है, देखिए बच्चे हैं ये और इनका एक तो वैसे भी 2 साल से कोरोना की वजह से चौपट है इनकी पढ़ाई, और दूसरा एक बड़ा कारण है कि बाढ़ इस इलाके में हर साल आती है। ये बता रहे हैं अदनान कि हर साल गांव में घर में पानी आता है और 100 में से महज 5 घर ही हैं जो यहाँ पर जिनकी आबादी है, बाकी सब इस इलाके से निकल चुके हैं। गाँव जो है वो पूरा विलुप्त हो चुका है। सामने आपको दिखाऊँ एक बार फिर से, खेत है चारों तरफ। अदनान के मुताबिक जैसा ये बता रहे हैं कि घर के घर पानी में एक बार पानी आता है तेज बहाव कटाव के साथ, घरों को अपने में समा कर ले जाता है, और यही वजह है कि अब यहाँ पर ये रहना नहीं चाहते हैं। इनकी माँ यहाँ है और इधर 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 आ जाइए। तो चाची जी ये बताइए आपका नाम क्या है? नुरासा खातून। नुरासा खातून शादी होकर यही आई थी? हाँ, यही जी आई थी। बरसों से रह रही है यहाँ? हाँ, बताइए। अब घर तोड़कर जा रही हैं? अब जाब सो हम जहाँ मुरझाई तो है, अब लड़का लोग कुछ करी लो, पैसा कौड़ी जहाँ लुए बाटे तब बनाई दो, पैसा मदद हुई कोई करी तो आना करी तो कमाई लो तो हुई। 2 मंजिला मकान है इसे जाए दरिया लगे अगर कट जाए लड़का दो जइए सब आदमी चल जाइए जिसे तो कुछ हुई यह तो बात बात। इतना सुंदर मकान है आपका 2 मंजिल का, बहुत छाती पतिया बांध के तो तू रहता है जो ईटू तो होके लागी कहीं खड़ा करके लग कर रही लो यही से तू रहता है। ये पानी में आदमी रोहत हो गए। ये एक परिवार का दर्द है, एक परिवार का दर्द आप मैंने कैमरे पर दिखाने की दर्द ताकि आप महसूस कर सके ये कोशिश की है, लेकिन आप समझिए कि इस इलाके में जिन लोगों का घर बरसों से था, जो पूरा का पूरा पुश्तों ने घर बनाया और वो पूरा पानी लेकर चला गया, कितना दर्द। एक साल अगर पानी आता है, बाढ़ आती है, तो वो लोगों को देकर जाती है। अदनान के परिवार का जो दुख है वो देखकर महसूस किया जा सकता है। सहयोगी विशाल राय के साथ नितिश्री, एबीपी न्यूज, गोपालगंज। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।